नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूँ 30 फीट बाई 36 फीट 2 BHK हाउस प्लान। तो दोस्तों, प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को रूम अरेंजमेंट बताऊंगा, फिर दोस्तों सारा डायमेंशन क्लियर करूंगा। दोस्तों, एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि MM में भी डायमेंशन बताने के लिए, तो दोस्तों पहले मैं फीट इंचेस में डायमेंशन बता दूंगा और दोस्तों अंत में MM में भी इसका डायमेंशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये है बिल्डिंग की फ्रंट पोर्शन, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है स्टेयर, देखिए इस साइड से आप हो रहा है, और यहाँ पर है दोस्तों मिड लैंडिंग। तो यहाँ पर आप बाइक वगैरह यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस छोड़ के रखा है। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर है एंट्रेंस, जैसे आप अंदर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा है। और इस साइड देखिए, हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है, तो विंडो है दोस्तों 1200x1350 mm का। फिर दोस्तों देखिए, इस साइड हम लोगों ने एक ड्राइंग रूम रखा है, तो दोस्तों ड्राइंग रूम के लिए इस साइड हम लोगों ने और एक डोर प्रोवाइड किया है, तो ये है दोस्तों 900x2000 mm का, आप डायरेक्टली यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है, ये है दोस्तों 1500x1350 mm का, और यहाँ पर हम लोगों ने एक आर्च प्रोवाइड किया है। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने किचन भी रखा है, तो यहाँ पर आर्च है, और इस साइड हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड किया है 1000x1000 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम रखा है, तो ये है दोस्तों इसका डोर, इस साइड ओपन होता है, ये है दोस्तों 750x2000 mm का। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी रखा है। और दोस्तों यहाँ पर है एक बेडरूम, तो ये है दोस्तों इसका विंडो है दोस्तों 1200x1350 mm का। और दोस्तों यहाँ पर डोर है 900x2000 mm का, डोर इस साइड ओपन होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने और एक बेडरूम रखा है, तो ये है दोस्तों बेडरूम का डोर इस साइड ओपन होता है, ये है दोस्तों 900x2000 mm का। और यहाँ पर एक विंडो रखा है, ये है दोस्तों 1200x1350 mm का। दोस्तों इसके साथ देखिए, एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ भी हम लोगों ने रखा है, तो ये है दोस्तों इसका डोर 750x2000 mm का। और यहाँ पर भी देखिए, हम लोगों ने प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक कैबिनेट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आप अपना इम्पॉर्टेंट सामान भी रख सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा रूम मैनेजमेंट। अब दोस्तों हम लोग इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग फीट इंचेस में इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो इस तरफ है दोस्तों टोटल 36 फीट, और इस साइड है दोस्तों टोटल 30 फीट। तो यहाँ पर आप स्टेयर देख सकते हैं, स्टेयर है इस साइड 10 फीट 2 इंच, और इस तरफ है दोस्तों 6 फीट 5 इंच। किचन है देखिए 6 फीट इस तरफ, एंड इस तरफ है 10 फीट 2 इंच। डाइनिंग हॉल देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 फीट 1 इंच। फिर दोस्तों इस बेडरूम की डायमेंशन है 10 फीट 7 इंच इस तरफ, एंड 11 फीट 3 इंच इस तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट एंड बाथ है, इसका डायमेंशन है 7 फीट 6 इंच इस तरफ, एंड 5 फीट इस तरफ। इस बेडरूम की डायमेंशन है देखिए 10 फीट 7 इंच इस तरफ, एंड 11 फीट 3 इंच इस तरफ। यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, इसका डायमेंशन है 6 फीट 3 इंच इस तरफ, एंड 5 फीट 2 इंच इस तरफ। फिर दोस्तों ड्राइंग रूम की डायमेंशन है देखिए 17 फीट 9 इंच इस तरफ, एंड 10 फीट 5 इंच इस तरफ। और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 8 फीट 2 इंच। तो दोस्तों ये है फीट इंचिस में डायमेंशन। अब दोस्तों MM में इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा डायमेंशन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा प्लान। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।